बात फिल्मी सितारों की करें तो सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। एडवांस बुकिंग शनिवार को ओपन कर दी गई है और पहले ही दिन मेकर्स को ठंडा रिस्पांस मिला है। सिनेमा घरों में 12 नवंबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म के टिकट बुक करने का मौका दर्शकों को 8 दिन पहले से ही दिया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा टिकट सिर्फ PVR और ओनेक्स में बुक किए जा चुके हैं। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो सैकनिक ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि रिलीज डेट के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा टिकट की ऑलरेडी बुक किए जा चुके हैं, यानी ओपनिंग डे पर फिल्म 1 करोड़ रुपए का ग्रास कलेक्शन करना पक्का है। हालांकि ओपनिंग डे पर असल आंकड़ा इससे भी ज्यादा ऊपर रहने वाला है। वहीं बात करें टिकट की कीमत की तो टिकट की कीमतों के बारे में तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे YRF हर रेंज में टिकट उपलब्ध करवा रहा है। मेकर्स 120 रुपये से लेकर के 1600 रुपये तक की कीमत में फिल्म के टिकट बेच रहे हैं। बता दें कि फैंस MX 2D और 3D में भी इस फिल्म का मजा उठा पाएंगे। वहीं फिल्म की ओपनिंग की बात करें तो फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो सुमित कार्डेल ने अपनी एक ट्वीट में बताया कि पहले दिन फिल्म 30 से 40 करोड़ के बीच कमाई कर सकती है और इससे पहले इसकी वीकेंड कमाई 60 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। अनुमान के मुताबिक शुरुआती 8 दिनों में फिल्म का बिजनेस 350 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। अब ये सब चीज़ें तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता लगेंगी। आमतौर पर सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म पोस्ट ऑफिस पर धमाल मचाती है। ये धमाल मचाएगी या नहीं मचाएगी, ये सब जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।